गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या, ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। एक्शन मोड में तेजस्वी, कहा राजद में भीतरघात करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों और जिला अध्यक्षों से हार के कारणों की लिखित रिपोर्ट मांगी है। तेजस्वी ने कहा कि अब पहले वाली बात नहीं है, भीतरघात करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सोमवार को राजद कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के दौरान तेजस्वी ने ये बातें कही। नेता प्रतिपक्ष ने आह्वान किया कि तैयार रहे, वर्ष 2021 में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन एनडीए ने जोड़ तोड़ कर से सरकार बना ली। कहा कि मकर संक्रांति के बाद वे राज्य भर में धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। कृषि कानून के खिलाफ पप्पू यादव की पार्टी का प्रदर्शन, उग्र भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, जबरदस्त हंगामा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन और बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में मंगलवार को किसान न्याय मार्च निकाला। वो राजभवन की ओर जाना चाह रहे थे, जिसे पुलिस बल ने रोका तो हंगामा हो गया। पप्पू यादव बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और लेट गए। कृषि कानून के खिलाफ मंगलवार को राजभवन मार्च कर रहे जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव समेत अन्य समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस दौरान कई नेताओं को चोटें आई है। मार्च में हजारों की संख्या में किसान शामिल थे। अनिश्चितकालीन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी बाईपास से राजभवन कूच करने से पहले ही पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। बिहार में धान की खरीदी में आई तेजी, खरीद प्रक्रिया सरल करने का मिल रहा लाभ। बिहार में बिना जमीन की रसीद के धान बेचने और प्राथमिक कृषि शाख समितियों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद किसानों को धान बेचने में सहूलियत आ रही है, जिस कारण धान खरीद में भी तेजी आई है। सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसानों को धान बेचने में एलपीसी की जरूरत नहीं होने और रसीद की भी अनिवार्यता समाप्त कर दिए जाने के बाद गैर रैयत किसान भी अब अपने धान बेचने के लिए धान क्रय केंद्र पहुँच रहे हैं। इधर विभाग द्वारा पैक्स और व्यापार मंडल की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। सहकारिता विभाग ने 3 दिनों में राज्य भर में 274 खरीद केंद्र बढ़ा दिए। इस दौरान 40,000 से अधिक मैट्रिक टन धान की खरीद हुई। 20 दिसंबर तक राज्य भर में खरीद करने वाली सहकारी समितियों की संख्या 6100 हो गई तथा अब तक 30,000 से अधिक किसान धान बेच चुके हैं। बिहार पंचायत चुनाव, 8,000 से ज्यादा मुखिया के पदों पर होगा इलेक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल हैं। राज्य में 8,387 ग्राम पंचायतों के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 8,387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे, जबकि वार्ड सदस्य के 1,14,667 पदों और पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। तेजस्वी के बिहार में मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर सियासत हुई तेज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार के मध्यावधि चुनाव वाले बयान को लेकर अब सूबे की सियासत गर्माने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वह उपचुनाव होगा, ना कि विधानसभा चुनाव। राजद और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ हैं, इन सभी के हमारे साथ आने पर तो उपचुनाव होंगे ही। मांझी ने कहा कि 14 जनवरी तक इंतजार करें और फिर देखिएगा कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। नेपाली संसद भंग करने के खिलाफ बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन शुरू, पीएम केपी ओली पर तानाशाही का आरोप। नेपाली संसद भंग करने के खिलाफ सीमावर्ती क्षेत्रों में आंदोलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री केपी ओली के पक्ष विपक्ष में गोलबंदी शुरू हो गई है। उत्तर बिहार की सीमा से सटे नेपाली जिला मुख्यालयों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से सटे वीरगंज शहर, सीतामढ़ी से सटे रौतहट के मुख्यालय गौर और मोरंग जिला के मुख्यालय विराटनगर के संसद भंग करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी यह जानने के लिए उत्सुक रहे कि काठमांडू में अलग अलग दलों की बैठकों में आगे किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने की सिफारिश के बाद उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
पार्टी में फूट पड़ गई है। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और एकीकृत माओवादी लेनिनवादी से आए पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का खेमा सांसद भंग करने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर चुके हैं। बिहार में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, 23 तक कोल्ड डे का अलर्ट। शीतलहर से सूबे में जनजीवन अस्त व्यस्त है, अगले 48 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे तक राज्य के सभी शहरों में कोल्ड डे या कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। उसके बाद के 24 घंटे भी स्थिति में ज्यादा सुधार के आसार नहीं है, यानी अगले 2 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप राज्य के अधिकतर जिलों में दिखेगा। कहीं दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा तो कहीं रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जाएगा। सोमवार की सुबह से कोहरे का कहर भी सभी जिलों में दिख रहा है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जबकि बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति की ओर अग्रसर होना, जबकि येलो अलर्ट ठंड को लेकर सतर्क रहने के लिए जारी किया जाता है। 94,000 प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट सूची 26 दिसंबर तक प्रकाशित होगी। बिहार के 71,000 प्रारंभिक विद्यालयों के रिक्त पड़े 94,000 पदों पर 1.5 साल से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग और नियोजन पत्र वितरण को छोड़ शेष सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया। इसके तहत सभी नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन करते हुए 26 दिसंबर तक NIC के पोर्टल पर इसे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में बाल हृदय योजना जनवरी से होगा लागू, पटना अहमदाबाद में बच्चों के दिल का होगा इलाज। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के इलाज पर आने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मंजूर की गई बाल हृदय योजना जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। फिलहाल अहमदाबाद के 2 बड़े अस्पतालों से करार करने को लेकर विभाग विचार मंथन में जुटा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि जनवरी से बाल हृदय योजना लागू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली। पटना के IGIMS में योजना के तहत बच्चों का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग अहमदाबाद में भी बच्चों को इलाज की सुविधा देने का काम कर रहा है। जल्द ही इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में नशे के दुष्परिणाम की होगी पढ़ाई। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में कई बदलाव किए जाएंगे। बच्चों को नशे के दुष्परिणाम, पर्यावरण संरक्षण के अलावा लीडरशिप और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग के चैप्टर को भी जोड़ने का विचार किया जा रहा है। कक्षा 8 से 12वीं तक बच्चों के पाठ्यक्रम में रोड सेफ्टी और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल होंगे। रोड सेफ्टी के अध्याय में छात्र छात्राओं को जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल लाइट और अन्य नियमों के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी जाएगी। बिहार में 31 दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। राज्य में कोविड के वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां तेज की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के लिए सभी अस्पताल, स्कूल और पंचायत भवनों में 31 दिसंबर तक 3 कमरों का चयन कर इन्हें वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम बनाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ऐसे निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भेजे पत्र में वैक्सीन का नई गाइडलाइंस का हवाला देकर कहा गया है कि पूर्व में ही अस्पताल, पंचायत भवन और स्कूल भवनों को चिन्हित करने निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। आदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागों ने अब तक भवनों के चयन का कार्य पूरा कर लिया होगा। जो भवन चिन्हित किए गए हैं उनमें 3 कमरों में वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन की व्यवस्था करें, ताकि कोरोना का टीकाकरण के लिए आए निबंधित डॉक्टर, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग यहां प्रतीक्षा कर सकें। इसके बाद उनका टीकाकरण करने के बाद कम से कम 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। बिहार में आंदोलन की तैयारी, हरियाणा के दिग्गज किसान नेता पहुंचे पटना, कहा MSP पर नहीं हो रही फसल की खरीद।
कृषि कानूनों के विरोध में कई हफ्तों से किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर लगातार जारी है। इस बीच बिहार में भी आंदोलन को लेकर तैयारी तेज हो रही है। हरियाणा के बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चारून पटना पहुंचे, जहां उन्होंने 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने और नए खेती कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। गुरमीत सिंह चारून संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में उन्होंने अहम रोल निभाया है। शिक्षा मंत्री ने कबूला, बिहार में उच्च शिक्षा का है बुरा हाल, कहा नामांकन भी हो रहा कम। बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा की बेहतर स्थिति न होने की बात कबूली है। पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में एक कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 15 सालों में बेहतर काम जरूर हुए हैं, लेकिन काफी कुछ किया जाना बाकी है। अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में शिक्षा, खासकर उच्च शिक्षा की स्थिति अभी बेहतर नहीं है। उच्च शिक्षा में नामांकन 15% तक है, जिसे 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उनके मुताबिक शिक्षण संस्थान खोले जाते हैं इस मकसद से नहीं कि पढ़ाई हो, बल्कि इस मकसद से कि किसी तरह से कमाई की जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आप एमएलए संजीव झा को बनाया बिहार का प्रभारी। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को पार्टी नेता व दिल्ली के विधायक संजीव झा को बिहार और पार्टी के दिल्ली पूर्वांचल संगठन का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झा को बधाई दी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। संजय झा ने कहा, बिहार के लिए प्रभारी के तौर पर मुझे जिम्मेदारी देने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए 24 घंटे काम करूंगा। बिहार के मधुबनी जिले से संबंध रखने वाले 41 वर्षीय झा मैथिली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।